दोस्तों इस वीडियो में सुख बताने वाला हूँ कि एयरटेल थैंक्स ऐप में एयरटेल पेमेंट सेविंग अकाउंट कैसे खोलते हैं। पूरा प्रोसेस ए टू जेड आप सभी को लाइव दिखाने वाला हूँ। जीरो सेविंग अकाउंट खोलने के बाद डेबिट कार्ड डाक के थ्रू आपके घर पे भेज दिया जाते हैं। सो आज के वीडियो में सुख बताने वाला हूँ कि एयरटेल थैंक्स ऐप में अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्यार भरा रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो को देखने के लिए चैनल के सुबह एक घंटी होगा उसको भी दबा दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुपेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस सबसे पहले आपको एयरटेल थैंक्स ऐप को डाउनलोड करना है। एयरटेल थैंक्स ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, या इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर को ओपन कीजिएगा और एयरटेल थैंक्स लिखिएगा तो ये एप्लीकेशन आ जाएगा। इसको मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया हूँ, इंस्टॉल कर लिया हूँ। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद ओपन करना है। इसके बाद आपको लेट स्टार्ट के बटन पर सिंपल में क्लिक करना है। इसके बाद आपसे कुछ परमिशन आएगा तो परमिशन को आपको अलाउ करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, लॉगिन करने का पेज आएगा। तो यहाँ पे आपको अपना एयरटेल नंबर डालना है जो आपका एयरटेल मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालने के बाद में सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा और ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करना होगा। कभी कभी ओटीपी ऑटोमेटिक डायरेक्ट हो जाता है, ओटीपी ऑटोमेटिक फिल नहीं होता है तो आपको यहाँ पे मैनुअली फिल करना होता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा, लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज ऑलरेडी सेलेक्ट है, यहाँ पे जो भी आप अपना पसंद की लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी मिल जाएगा जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। हमारा एयरटेल मोबाइल नंबर है @airtel, ये हमारा भीम यूपीआई आईडी है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, परमिशन मांगते हैं तो आपको एक्सेप्ट करना है। इसके बाद आपके मोबाइल से एक मैसेज जाएगा बैंक को, तो आपके मोबाइल में मेन अकाउंट बैलेंस 3-4 रुपये बैलेंस भी होना चाहिए क्योंकि तभी मैसेज सेंड होगा। तो आपको थोड़ा समय तक वेट करना होगा जब तक कि मैसेज सेंड हो रहा है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा, इसके बाद यहाँ पर आपको बैंक को फेच करेगा। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि यूपीआई रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है और हमारे जो मोबाइल नंबर के साथ में जो बैंक अकाउंट लिंक है वो यहाँ पे बैंक भी शो करा है जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको डोंट के बटन पे सिंपल में क्लिक करना है। जैसे आप डोंट के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पे थोड़ा समय तक वेट करना होगा। आपसे यहाँ पर कुछ परमिशन मांगते हैं तो यहाँ पर आपको परमिशन को अलाउ करना है, एक्सेप्ट करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि एयरटेल थैंक्स ऐप्स का होम पेज ओपन हो चुका है। और इसके साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि आपके एयरटेल नंबर की जो वैलिडिटी है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे एयरटेल की जो वैलिडिटी है यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं और कितना भी डाटा बचा वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे खाता खोलने के लिए यानी कि सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है बैंकिंग, तो आपको बैंकिंग पे सिंपल में क्लिक करना है। जैसे आप बैंकिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे ऊपर आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालना है, नीचे आपको लास्ट नेम डालना है, इसके नीचे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और यहाँ पर आपका जीमेल आईडी ऑटोमेटिक डिटेक्ट है, इसको चेंज करना चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं। और इसके नीचे आपके एरिया का पिन कोड जो है वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेक्ट है। यदि आपके एरिया का पिन कोड गलत यहाँ पर दिखा रहा है तो इसको मैनुअल भी आप सही फिल कर सकते हैं। इसके नीचे आपको यहाँ पे कोई भी एक आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट लगाना है जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जिसमें से आपको पास में जो भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा और उस डॉक्यूमेंट का नंबर आपको नीचे डालना होगा। मान लीजिए कि आप आधार कार्ड को सेलेक्ट करते हैं तो आधार नंबर आपको नीचे डालना होगा, वोटर आईडी कार्ड को सेलेक्ट करते हैं तो वोटर आईडी कार्ड नंबर आपको नीचे डालना होगा। इसके नीचे आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेक्ट है। इसके बाद आपको नीचे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है यानी कि इसको टिक करना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। चलिए इसको भरकर आप सबको लाइव प्रोसेस दिखा देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अपना फर्स्ट नेम डाल दिया हूँ, इसके नीचे अपना लास्ट नेम डाल दिया हूँ, इसके नीचे मेरा जीमेल आईडी है और इसके नीचे पिन कोड, और हम आधार कार्ड लगाना चाहते हैं आईडी प्रूफ में तो आधार कार्ड को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ और इसके नीचे आधार कार्ड का नंबर जो है उसको डाल दिया हूँ, और इसके नीचे मोबाइल नंबर यहाँ पर है और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया हूँ, टिक कर दिया हूँ। इसके बाद आपको सिंपल में कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है।
इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आपको 4 नंबर का एम पिन सेट करना होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको 4 नंबर का एम पिन इसलिए सेट करना है ताकि आप इस एप्लीकेशन को जब ओपन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे इसको लॉगिन करने के लिए डायरेक्टली एम पिन से लॉगिन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऊपर 4 नंबर का एम पिन सेट करना होगा और नीचे आपको उसी एम पिन को दोबारा से डालना होगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू के बटन पर सिंपल में आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा और OTP को यहाँ पे आपको डालना होगा। OTP ऑटोमेटिक भी डिटेक्ट हो जाता है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया, जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आपको कंग्रेचुलेशन का आ चुका है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यानी कि आपका सक्सेसफुल अकाउंट खुल चुका है। यहाँ पे आपको एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है। इसके बाद आप होम पेज पे आ जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। अपना स्टेटस को चेक करने के लिए, यानी कि अपना अकाउंट नंबर चेक करने के लिए या अपना डिटेल को चेक करने के लिए यहाँ पे मिलेगा व्यू प्रोफाइल, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको माय डिटेल पे क्लिक करना है। जिससे माय डिटेल पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको 4 नंबर का एम पिन डालना होगा, जो आपने 4 नंबर का एम पिन बनाया है उसी एम पिन को डालना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आपका जीमेल आईडी शो हो जाएगा और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो हो जाएगा और इसके नीचे IFSC कोड। दोस्तों यहाँ पे आप सबको बता दूँ कि आपका जो अकाउंट नंबर है वो आपका मोबाइल नंबर ही है। किसी से पैसे मंगाने के लिए आपको अपना अकाउंट नंबर के जगह पे आपको मोबाइल नंबर अपना देना होगा और IFSC कोड यहाँ पे आपको शो हो रहा है वही देना होगा। अपना मोबाइल नंबर और IFSC कोड देंगे तो आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। चलिए यहाँ से हम एक स्टेप बैक आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैलेट में यहाँ पे 0 दिखा रहा है, इसमें पैसे नहीं है। इसमें आप पैसे ऐड करने के लिए पैसे ऐड कर सकते हैं, दूसरे खाते से पेटीएम से भी आप पैसे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है मोबाइल रिचार्ज करने के लिए, मनी ट्रांसफर करने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका UPI ID यहाँ पे शो हो जाएगा, जिससे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा UPI ID यहाँ पे शो हो रहा है। इससे भी आप पैसे को रिसीव कर सकते हैं, यानी ये किसी से पैसे मंगा सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं किस तरह से आपको अपना डेबिट कार्ड का एड्रेस चेक करना है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको आना है जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं डेबिट कार्ड आपको लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आपसे एम पिन मांग रहा है, तो आपने जो 4 नंबर का एम पिन बनाया है उस एम पिन को आपको यहाँ पे डालना है। जैसे आप एम पिन डालेंगे तो आप इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपका डेबिट कार्ड शो हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और हमारा डेबिट कार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है और एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, और ये प्रीपेड कार्ड है। दोस्तों यहाँ पे आपके वैलेट में जब पैसे होंगे तभी ये काम करेगा। दोस्तों ये जो ATM कार्ड होता है, जो डेबिट कार्ड है, वो डाक के थ्रू आपके घर पे आ जाएगा। इसमें लगभग 2 हफ्ते तक समय लग जाते हैं। दोस्तों इसको पिन बनाने के लिए, यानी कि डेबिट कार्ड का पिन बनाने के लिए, इसके लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है सेट यूनिक पिन। तो आपको सिंपल में इस पर क्लिक करना है जहाँ पर लिखा है सेट यूनिक पिन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा और OTP ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेक्ट हो जाता है, नहीं तो आपको यहाँ पे फिल भी करना होता है। इसके बाद आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड का पिन बनाना होगा जो 4 नंबर का होना चाहिए। यहाँ पे आपको एग्जांपल में बताया गया है कि आपका जो ATM पिन होना चाहिए इस तरह से नहीं होना चाहिए, जैसे कि 1234222, इस तरह से ईजी नहीं होना चाहिए। आपको अपने मोबाइल नंबर के लास्ट वाला 4 नंबर डाल दीजिएगा या फर्स्ट वाला डाल दीजिएगा, इस तरह से आपको पिन बनाना है, नॉर्मल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ऊपर 4 नंबर का पिन डालना होगा जो आप बनाना चाहते हैं, और उसी पिन को नीचे से दोबारा से आपको डालना होगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस होगा, आपको वेट करना होगा। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपका जो डेबिट कार्ड का पिन है वो भी सक्सेसफुल सेट हो चुका है। इस पिन के रिलेटेड आप इस डेबिट कार्ड के थ्रू आप ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, और जो ये आपका डेबिट कार्ड है वो डाक के थ्रू आपको 2 हफ्ते के लगभग में आपके घर पर आ जाएंगे। यदि आप डेबिट कार्ड को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं या इस पे लिमिट सेट करना चाहते हैं तो आपको राइट सेट कॉर्नर पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डीएक्टिवेट कार्ड को। यहाँ से डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं या इसका लिमिट भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एयरटेल थैंक्स ऐप में एयरटेल पेमेंट बैंक से भी अकाउंट खोल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस एप्लीकेशन से आपको ट्रांजेक्शन कैसे करना है, मोबाइल रिचार्ज कैसे करना है, बिल पेमेंट कैसे करना है, मनी ट्रांसफर कैसे करना है, पैसे वैलेट में ऐड कैसे करना है, सारी प्रोसेस आप सभी को बताऊंगा। मिलते हैं कि नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।